हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सहनाज। वेलकम बैक टू सहनाज स्टिचिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो इस ड्रेस की कटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अब मैं इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो चलिए इस ड्रेस की अब स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टॉप की स्टिचिंग करूँगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट गला 5 इंच, बैक गला 3.5 इंच का कट करके बकरम पेस्ट पे एक कपड़े पे इसको प्रेस से चिपका ली हूँ। 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी था कट करके निकाल दी हूँ। अब मैं इसको, जो कपड़ा मैंने 1/2 इंच छोड़ी हूँ, इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप का फ्रंट पार्ट ले ली हूँ और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट वाला गला रखकर गला बना लेंगे। तो चलिए किस तरह बनाएंगे देखते हैं। फ्रंट पार्ट को सीधा रखी हूँ और गला को इस तरह से उल्टा रखकर बीच में सेट कर दी हूँ पिन से। और बुकरम के बिल्कुल साइड में, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ाना है, एक सिलाई देना है। बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसको कट करके निकाल दी हूँ। अब इस पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे, सिलाई नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल कपड़ा ही काटना है। थोड़ा थोड़ा पट्टी को इस तरह पीछे की तरफ मोड़ देंगे और इस पे तुरपाई कर देंगे। इस पे कच्ची सिलाई दे सकते हैं, सिलाई को तुरपाई करने के बाद आप खोल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह दूसरा गला भी मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा गला भी बनकर तैयार है। इसको भी इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई दे सकते हैं। तुरपाई नहीं करना है, पहले शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ही तुरपाई करेंगे हम। शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है, इस तरह दूसरा शोल्डर भी हम ज्वाइंट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। उसके बाद फिटिंग की सिलाई देंगे बॉडी पे। तो अब हम इसका स्लीव बना लेते हैं। तो स्लीव का 1/2 इंच हम सामने से यहाँ पे फोल्ड करके इसको तुरपाई करने वाले हैं। इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे दोनों स्लीव का। तो यहाँ पे हम आर्म होल से बाजू को ज्वाइंट करना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से बैठाते हुए सीधी सिलाई दे देंगे, बिल्कुल एक बराबर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग देंगे इस पे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम दूसरा स्लीव भी लगा लेंगे दूसरी साइड पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टॉप के नीचे के मार्जिन को फोल्ड करके तुरपाई करती हूँ। अब बस फिटिंग की सिलाई करना बाकी है। तो यहाँ पे राइट साइड में मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दूंगी और लेफ्ट साइड में यहाँ पे चेन लगेगा। तो चेन किस तरह लगाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट साइड में फिटिंग की सिलाई दे रही हूँ और लेफ्ट साइड में चेन लगाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब टॉप को सीधा कर लेते हैं। तो टॉप को इस तरह सीधा करने के बाद यहाँ पे फिटिंग की निशान लगा देंगे, जहाँ से फिटिंग करेंगे हम, चेन लगेगा जहाँ से। तो फ्रेंड्स, इस तरह टॉप को सीधा रख लेंगे और चेन को उल्टा रखेंगे इस तरह, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। हाफ इंच चेन को बाहर छोड़ते हुए चेन के बिल्कुल बिल्कुल पास में सिलाई देना है, चेन के ऊपर नहीं चढ़ाना है। यहाँ पे मैं सिंगल फुट का यूज़ की हूँ सिलने के लिए। तो इस तरह से सिलने के बाद चेन को आगे थोड़ा खींच देंगे, फिर से सिलेंगे वहाँ से। इस तरह सिलने से फ्रेंड्स चेन बिल्कुल नहीं दिखता है ऊपर से। एक साइड पे सिल जाने के बाद हम इस तरह निकाल देंगे और दूसरी साइड से सिलना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमको सिलाई देना है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे चैन सही से लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। तो चैन बिल्कुल अच्छे से लग पा रहा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऊपर से सिलाई वगैरह नहीं दिख रहा है। तो कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह जो हाफ इंच मेरा चैन बाहर की तरफ था, उसको इस तरह अंदर की तरफ रख कर यहाँ पर मार्जिंग वाले कपड़े पर मैं इसको दबा देती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगी इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि लोग इतना लंबी वीडियो देखते ही नहीं हैं, बोर हो जाते हैं, भगा भगा कर देखते हैं। तो आगे से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ, जिस तरह आपको समझ भी आ जाए और आप बोर भी नहीं हों। तो सॉरी ये वीडियो लंबी हो गई, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, टॉप बनकर तैयार है। अब मैं इसका बॉटम सिल रही हूँ, जो लहंगा है मेरा। तो यहाँ पे मैं लहंगा का अस्तर ले ली हूँ और इसमें जो कपड़ा नीचे से जोड़ने का था थोड़ा, वो मैं जोड़ दी हूँ। आप देख सकते हैं नीचे से मैं ज्वाइंट कर चुकी हूँ। तो चलिए अब इस लहंगे की सिलाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले से कटिंग किया हुआ ये मेरा 1.5 मीटर का 2 टुकड़ा है नेट का, जो आप कटिंग वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। तो ये 1.5 मीटर का 2 टुकड़ा है, इस पे अब हम गैदर बना लेंगे। इस तरह से गैदर बनेगा और लहंगा में इसको अटैच करना है। तो चलिए इसमें गैदर्स बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटा छोटा गैदर्स हम बना लेंगे। इस तरह गैदर्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके लहंगा के अस्तर की कमर में अटैच करेंगे। इस तरह अटैच कर देंगे यहाँ पे।
तो दोनों पार्ट को मैं एक दूसरे से अटैच करती हूँ। अब मैं इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई दूंगी। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट को एक जगह रख ली हूँ। नेट और अस्तर को मिलाकर नहीं सिएंगे, दोनों को अलग अलग सिलेंगे। तो इस तरह थोड़ा दूर सिलने के बाद हम यहाँ पे सिलाई रोक देंगे और इस तरह से नेट को बाहर करते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम किस तरह कर रहे हैं, नेट को बाहर करेंगे और जो मेन कपड़ा अस्तर का है उसको छोड़ते हुए नेट के ऊपर सिलाई ले जाएंगे और पूरा नेट सिल देंगे नीचे तक। तो फ्रेंड्स, नेट सिल चुका है। अब हम वापस से ऊपर की तरफ मशीन को लगाएंगे और इस तरह वापस से यहाँ पे सिलाई देंगे। अब फ्रेंड्स, नेट को अंदर करते हुए अब हम अस्तर पे सिलाई देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम किस तरह सिलाई दे रहे हैं। तो यहाँ फिर से थोड़ा दूर सिलने के बाद हम नेट को अंदर कर देंगे और अस्तर वाले कपड़े पे सीधी सिलाई दे देंगे। बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हुए सिलेंगे, बिल्कुल झोलझाल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे थोड़ा चेन लगेगा ऊपर से। तो यहाँ पे 7 इंच पे मैं निशान लगा दी हूँ। यहाँ से इतना छोड़ते हुए 7 इंच के बाद ही हम सिलाई देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ 7 इंच छोड़ते हुए हम सिलाई देना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सिलते हुए थोड़ा दूर सिलेंगे, 1.5 से 2 इंच। उसके बाद जिस तरह मैंने उस साइड पे सिलाई दी थी नेट को अंदर करते हुए, सॉरी, पहले नेट को बाहर करते हुए फिर नेट को अंदर करते हुए सिलाई दी थी, उस तरह इस साइड भी हम सिलाई दे देंगे। अब यहाँ पे चेन लगाने के लिए यहाँ पे मुझे एक कच्ची सिलाई देनी होगी। तो इस तरह इस पे हम एक कच्ची सिलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कच्ची सिलाई देने के बाद हम इस तरह से जिप को रखेंगे, सीधा रखेंगे बिल्कुल। एक इंच चेन को ऊपर करते हुए बिल्कुल चेन के साइड में सिलाई दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली चेन लग चुका है। अब हम कच्ची सिलाई को खोल देंगे। यहाँ से चेन बिल्कुल आसानी से खुल रहा है, बंद हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कच्ची सिलाई को हम बाद में खोल देंगे और जो 1 इंच ऊपर चेन है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लहंगा के ऊपर पट्टी लगाएंगे। जो टॉप का बचा हुआ 2 इंच चौड़ा कपड़ा मैं ले ली हूँ और 2 इंच चौड़ा अस्तर का बचा हुआ कपड़ा ली हूँ, जिसको मैं बीच से जॉइंट कर दी हूँ और इस तरह से पट्टी लगाऊंगी। तो लहंगा को बिल्कुल सीधा रखी हूँ और इसके ऊपर इस तरह से इसको हम हेम कर देंगे बाद में मोड़ के। तो फिलहाल इसको इसके ऊपर अटैच करना है।
तो इसके ऊपर हम सीधी सिलाई दे देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं सीधी सिलाई दे चुकी हूँ और इसको अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ उल्टी साइड में पलटते हुए फोल्ड करके एक सीधी सिलाई देंगे। सिलाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही देना है, नीचे नहीं देंगे, नहीं तो वो गैदर्स के ऊपर सिलाई चला जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए इस पर एक सिलाई दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली अंदर की पूरी सिलाई दे दी हूँ और इसमें आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर आप कुछ भी क्या बोलते हैं नाड़ा लगा सकते हैं या फिर डोरी बिकती है गोल्डन सिल्वर कलर की मार्केट में, वो डाल के आप बांध सकते हैं, आपकी मर्जी क्या, ठीक ना। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे दोनों ही पार्ट में पीको करने वाले हैं। तो वो पीको मेरा हो चुका है, मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पे क्या सिलने आ गई, बहुत लंबी वीडियो है। अब मैं यहाँ पे सिलूंगी बंडी जैकेट जो मैं बनाई थी, कटिंग की थी। तो यहाँ पे मैं गले में उड़े पट्टी काट ली हूँ नेट का और इसको गले में लगाऊंगी। ये पट्टी मैं गले में लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स गले में मैं इस तरह पट्टी लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई इस पर दे दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बाजू भी अटैच कर दी हूँ, इस तरह अटैच करना है, दोनों बाजू अटैच कर दी हूँ। अब यहाँ पे किस तरह से बाजू में डिज़ाइन में देने वाली थी वो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से छोटा छोटा गैदर्स बनाना है बाजू के मोड़ी पे, मैंने बताई थी कि इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो छोटे छोटे गैदर्स देने के बाद फ्रेंड्स हम इस पर लगाएंगे इलास्टिक। अब हम यहाँ पे जैकेट के आगे में जो कट है फ्रेंड्स
वो कट्स को इस तरह से मोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। दोनों साइड पे मैं इस तरह मोड़ दूंगी, बीच से कट्स है और दोनों साइड से फोल्ड करना है, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह कर रही हूँ। तो अब हम जैकेट की पूरी फिटिंग की सिलाई दे देंगे, यहाँ बाजू से शुरू करेंगे और पूरी बॉडी तक की फिटिंग की सिलाई दे देंगे हम। तो देखिए हम किस तरह से दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स दोनों साइड फिटिंग की सिलाई दे दी हूँ। अब ये जैकेट के ऊपर, जैकेट के नीचे मैं फ्रिल लगाने वाली हूँ, तो ऊपर से ही सीधी साइड से ही फ्रिल को इस तरह रखेंगे। फ्रिल बनाकर मैं तैयार कर ली थी और उसके ऊपर एक सीधी सिलाई दे देंगे पूरी। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, अगर आप बोर हुए हों तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। आगे से मैं पक्का कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से शॉर्ट में समझाऊँ, इतनी लंबी वीडियो नहीं करूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे मैं बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी। मेरे पास शूट करे हुए बहुत सारे वीडियो रखे हैं जो बिल्कुल इतनी लंबी मैं नहीं बनाई हूँ। आई प्रोमिस आगे से मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। तो चलिए अब हम आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं, तो फ्रिल पूरा लग। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस मैं बनाने वाली हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप मेरे डिज़ाइनर ड्रेस को देख सकें क्या। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।